आगरा से दारोगा की दबंगई सामने आई, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आवारा पशुओं से परेशान किसानों को लात घूसों से पीटा गया। इतना ही नहीं, अपनी वर्दी की जितनी भी ताकत थी उस निर्दोष किसानों पर दिखाने से बिल्कुल भी नहीं कतराए। उछल उछल कर किसानों को लात मारते देखे ये कोतवाल साहब और दारोगा की ये पूरी दबंगई कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद सवाल सीधे तौर पर पुलिस पूरे महकमे पर खड़ा हो जाता है। तो निर्दोष किसानों पर किस तरह से वर्दी का रौब छलकाते हुए ये पुलिस अधिकारी नजर आए, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो दारोगा की पूरी दबंगाई तस्वीर में कैद। तो आवारा पशुओं से परेशान ये किसान थे, लेकिन किस तरह से लात घूसे दारोगा की तरफ से बरसाए गए वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो मवेशी आए दिन लोगों को परेशान करते हैं, लेकिन ये दोहरी परेशानी साफ तौर पर कहा जाएगा कि जिस के कंधों पर जिम्मेदारी होती है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखे, लोगों की सुरक्षा करे, लेकिन रक्षक भक्षक किस तरह से बनते जा रहे हैं वो ये तस्वीरें आगरा की बयां कर रही हैं। दारोगा की ये दबंगाई कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई और अब गंभीर सवाल पूरे पुलिस महकमे में खड़े हो जाते हैं। ये देखिए किस तरह से लात मारते दिख रहा है ये दारोगा, जिसकी दबंगई कैमरे में कैद हुई है। तो जितनी भी ताकत अपनी वर्दी की यहां पर दिखानी थी वो यहां पर दिखाई गई, लेकिन सवाल ये कि आखिर ये रक्षक भक्षक क्यों बन रहे हैं? इनके ऊपर जिम्मेदारी है लोगों की सुरक्षा की, लोगों को सहूलियत प्रदान करने की, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें जाहिर तौर पर उन तमाम जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़ा कर देती है। ये वर्दी पहनने से पहले कस्में खाई जाती हैं जिम्मेदारियों की, लेकिन वर्दी पहनते ही किस तरह से जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ दिया जाता है और रक्षक भक्षक बन जाते हैं, वो आगरा की ये तस्वीरें बयां कर रही है। और आगरा से हमारे संवाददाता शिव चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए इस पूरे मामले पर जानकारी के साथ। शिव, आगरा से दारोगा की दबंगाई सामने आई है, पहले कस्में खाई जाती है जिम्मेदारी की, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें उन्हीं जिम्मेदारियों पर सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल, खाकी की जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा करना है, लेकिन जिस तरह से इस वीडियो में दिखाई दे रहा है साफ तौर से कि वो लोग जो अपने फसलों को बचाने के लिए गाय से परेशान थे, गायों को कई दिनों से प्रशासन को यह सूचना दी जा चुकी थी कि फसल नुकसान कर रही है, गाय बेसारा जो गाय घूम रही है उनको जब प्रशासन ने इस ओर नहीं ध्यान दिया तो उन्होंने एक प्राथमिक विद्यालय में उन गायों को बंद कर दिया और उसके बाद वो प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस साफ तौर से उस वीडियो में दिखाई दे रही है कि जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें लात और घूसों से पिटाई करते देख रहे हैं। हालांकि ये जानकारी जब वहां के पूर्व सांसद बाबूलाल चौधरी को लगी तो वो मौके पर पहुंच गए और वहीं स्कूल के पास ही खाली खेत में धरने पर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से साफ जाहिर होता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं दबंगई दिखाई दे रही है। लेकिन दारोगा की इस दबंगई पर अभी कोई एक्शन पुलिस महकमे के तरफ से, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है ये न सिर्फ दारोगा बल्कि पूरे पुलिस महकमे पर भी सवाल खड़ा करता है। शिव, बिल्कुल, खाकी पर एक बड़ा सवाल उठता है, पुलिस महकमे पे बड़ा सवाल उठता है, अधिकारियों पर यह वीडियो पहुंच गई है और उस वीडियो की जांच कराई जा रही है। अगर इसमें दोषी पुलिसकर्मी है, क्योंकि साफ तौर से किसानों को वो तो दिख ही रहा है। शिव, जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं वहां मौजूद लोगों को लात से यहाँ पर लात बरसाते हुए साफ तौर पर ये दारोगा नजर आ रहा है। हालांकि अब कह रहे हैं कि आप जिस तरह से वीडियो पहुंच गई है, लेकिन अगर किसानों की बात करें जिनके साथ इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, उनका क्या कुछ कहना है? किसानों में पूरी तरह से रोष है, किसानों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई है उसी को लेकर जो पूर्व सांसद बाबूलाल है भाजपा से वो धरने पर बैठ गए हैं और उनका साफ तौर से यही कहना है कि मौके पर बड़े आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है, हालांकि ये वीडियो जरूर अधिकारियों के पास पहुंच गई है और उसकी जांच कराने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।